तुम्हें आराम से करना है तो आराम से करो, जोर से करना है तो ऐसे क्या देख रहे हो? बस सोच रहा हूँ कि इतना खुशकिस्मत कैसे हो गया मैं। होता है, कभी कभी गधे को भी अच्छी सवारी मिल जाती है। अरे इतना नाराज क्यों रहती हो? पत्नी हो तुम मेरी, तुमसे प्यार करता हूँ मैं। प्यार तो करोगे ही ना, जब एक ऑटो चलाने वाले को एक लग्जरी गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी से प्यार तो करेगा ही ना। अरे इधर आओ, आज तो मुंह ठीक कर लो, आज मेरे दूर के रिश्तेदार का भांजा आ रहा है। भांजा? कौन सा वाला भांजा? अरे वेद, अभी ये अगले महीने मेरी बहन रश्मि की जो शादी होने वाली है ना, उसमें हाथ बटाएगा और वो जिम भी जाता है, तो रश्मि को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करवा देगा घर पे। तुम क्यों नहीं जिम जाते हो? जानते हो ना, जो जिम जाकर अपना पसीना बहाते हैं वो अच्छे अच्छों का बिस्तर पे पसीना निकाल देते हैं। अरे यार, इच्छा तो बहुत होती है, और तुमने सुना है ना आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, बस इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा। मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। ठीक है, ऐसे ही रहो फिर। सुनो तो, कितनी घंटियां बजाओगे? लाइए जल्दी से दूध लाइए, मुझे और भी बहुत सारे काम है। जी नहीं, मैं दूध देता नहीं, दूध निकालता हूं। अच्छा, गाय का या भैंस का या फिर वेद? मामा जी, अरे तुम आ गए। कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। अरे कविता, मैंने बताया था ना, यही तो वेद है। अरे मेरा दूर का भांजा। अच्छा, तो ये वेद है। ये तो बड़ा स्मार्ट है। यही मेरी प्यास बुझा सकता है। आओ आओ जी। अरे आओ रश्मि, कहाँ हो? आई भैया। और सब ठीक है? सब बढ़िया। वेद, कैसी हो रश्मि? मैं अच्छी हूँ, तुम कब आए? अभी जस्ट आया। भैया आपने मुझे बताया क्यों नहीं वेद आने वाला है? अरे अब बता दिया ना, आज इसकी अच्छे से खातिरदारी कर लो, फिर कल से तुम्हारी शादी के कामों में बिजी हो जाएगा ये। चलो सबेद, तुम भी नाश्ता वास्ता कर लो, इसके लिए नाश्ता बनाओ, और मुझे ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो रहा हूँ। ठीक है, चलो। ओके जी, वाह। ओके वेद, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, तुम थक गए होंगे, फ्रेश हो जाओ। चले। तू कहाँ चली? कैसे जानती है तू वेद को? भाभी वेदों में बहुत बार मिल चुके हैं, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आप बस इसके लिए नाश्ता बनाइए, मैं देख कर आती हूँ कि इसे किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है। ठीक है। वेद, Yes, finally, मैं आ गया। इतना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर। इतना लेट? 10 दिन बाद मेरी शादी है। मैं तो कहती हूँ आज ही इस घर से भाग जाते हैं।
तुम क्या पागल हो गई हो? तुम जानती हो ना हमारा रिश्ता क्या है? जानती हूँ मैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं शादी करूंगी सिर्फ और सिर्फ तुमसे। अच्छा, इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ पर वैसे ना 10 दिन बहुत होगा, कुछ ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। मुझे मिस किया। कौन? वेद, नाश्ता लग गया है। हाँ भाभी, आ रहा है वो, बस फ्रेश हो रहा है। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी जो भाभी है ना, वो बहुत ही लालची औरत, जवान मर्दों को देख के ना उसकी लाल टपकने लग जाती है। तो तुम जरा उससे दूर रहना, समझे? आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, तो क्यों ना आज रात को कुछ धमाल करते हैं? देखेंगे। चलो ठीक है, बाय। नाश्ता रेडी है? हाँ रेडी है। सैंडविच? राम से। ओहो, सारा सत्यानाश हो गया। देखिए ना, सारे हाथ गंदे हो गए। कोई बात नहीं, धो लीजिए। हाँ ठीक है, धो लेती। ओहो, वो मेरी साड़ी का पल्लू गिर गया। ठीक कैसे करूं? मैं कर देता हूँ आपकी मदद। वेद, तुम कितने अच्छे हो। कोई और होता तो ना जाने कहां कहां नजर जाती उसकी। मैं हाथ धो लेती हूँ और तुम नाश्ता कर लो, और फिर मेरे कमरे में आ जाना। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी मामी, बुलाया आपने। अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना कितने सारे जाले लगे हैं इस कमरे में, तुम साफ कर दो। जी जरूर, अभी करता हूँ, आप नीचे आ जाइए। I'm so sorry. वो मिसबैलेंस हो गया था मेरा पैर। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम से करना है तो आराम से कर, जोर से करना है तो जोर से कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो आप? इसमें समझना क्या है? क्या कर रही हो आप?
मामी मत कहो ना, कविता कहो। देख रही हूँ जब से आए हो मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे हो। तुम्हें जो करना है ना तुम कर सकते हो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। भामी जी आप मुझे गलत समझ रही हो, मैंने आपको वैसे नजरों से नहीं देखा। तो आप देख लो रोका किसने है। रश्मि ऊपर वाले कमरे में, वो आती होगी कभी भी। आप प्लीज। वो नहा रही है, उसे नहाने में पूरा एक घंटा लगता है। मामी जी सोच लो, ऐसी जन्नत कहीं और नसीब नहीं होगी। मैं आपको इसके बारे में सोच के बताऊंगा। तो मैं पाकर रहूंगी वेद। हाँ रश्मि। क्या हुआ? तुम्हारी भाभी तो बड़ी टेढ़ी चीज है। जानती हूँ, लेकिन अगर मेरे भैया को मनाना है तो पहले भाभी को तो मनाना होगा ना। क्या खुसुर फुसुर चल रहा है यहाँ पर? नहीं 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 भाभी, कुछ नहीं। मैं तो बस वेद से पूछ रही थी कि खाने में क्या खाएगा। वेद खाने में वही खाएगा जो हम सब खाएंगे। जी भाभी जी। लेकिन आज खाना सिर्फ 3 लोगों के लिए बनेगा। क्यों भाभी? वो तुम्हारे भैया आज घर पर नहीं है ना, ग्वालियर गए हैं, एक दिन बाद वापस आएंगे। वेद जी, इस पूरे घर की जिम्मेवारी अब तुम्हारी। समझ में नहीं आ रहा इस मामी का क्या करूं, पीछे पड़ गई है मेरे, कैसे संभालूं इसे यार। वेद आया। मामी जी कमरे में इतना अंधेरा क्यों आपके? तुम्हारे पास में ही स्विच है वेद, ऑन कर लो। जी मामी जी बोलिए। पहले तो तुम मुझे मामी कहना बंद करो, मुझे कविता कहो। और दूसरा ये कि मुझे रात को अकेले सोने में बहुत डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ आज रात को सोगे? तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। एक्चुअली मामी वो मुझे आपसे मदद चाहिए। किस चीज में मदद चाहिए? वो रश्मि और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मामा जी मानेंगे नहीं। आप उनसे बात करिए ना हम दोनों के लिए।
तुम वहां किचन में रश्मि के साथ यही फुसफुसा रहे थे ना? ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सच में? लेकिन रश्मि से पहले तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। समझो ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील है। सोच लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे मामा जी के कान भर दूंगी और फिर तुम रश्मि के इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में नहीं हो पाओगे। रश्मि को पाने के लिए आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। क्या हो गया? तुमने कहा था रात को मेरे पास आओगे कमरे में। कहाँ थे तुम रात भर? मैं रात भर मामी के साथ था उनके कमरे में। हाँ? अरे हम दोनों के लिए मना रहा था उन्हें। क्या कहा उन्होंने? बोलो ना क्या कहा उन्होंने? वो मान गई। सच? यस। हाँ। और उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे भैया आ जाएंगे हम दोनों की बात वो कर देगी उनसे। पक्का? I'm so happy. अच्छा, बस happy. Yeah. अच्छा, मैंने इतना बड़ा काम किया है, बताओ मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? चलो, कुछ नहीं। कविता, रश्मि, आ गए तुम्हारे भैया। अरे वेद, वेद, आज सुबह मुझे कविता ने सब कुछ बता दिया है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्या तुम संभाल पाओगे? जी, बहुत अच्छे। मैं अकेला तो संभाल ही नहीं पाता। लड़के वालों ने परसों का ही मुहूर्त निकाला है, अब एक ही दिन में तुम्हारे बिना कैसे कर पाता मैं इतनी बड़ी तैयारी। भैया,
परसों का मुहूर्त मतलब? तुम्हारी भाभी को लड़के वालों ने कॉल किया था, उन्होंने बताया कि उन्हें परसों ही फेरे लेने हैं, थोड़ा जल्दी में है वो लोग। अच्छा तो तुम लोग एक्टिव हो जाओ, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करूँ। है ओके। रश्मि तुम जरा भेजो। छत पे चले, जरूरी बात करनी है आपसे। चलो। तूने जो जो बोला ना मैंने सब कुछ किया, फिर भी तूने मेरे और रश्मि के बारे में मामा जी को क्यों नहीं बताया? बता, बोल। तुम्हें क्या लगता है भी? मैं इतनी आसानी से तुम जैसे हीरे को अपनी ननद को ले जाने दूंगी? क्या रखा है उसमें? ठीक है माना है जवान है, लेकिन वो तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मामा जी हर सुख शारीरिक नहीं होता है, अपने दिमाग को खोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो ना यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, ये घर छोड़कर। ये ना तेरी गलतफहमी है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा तो कल रात को तुमने जो मुझे सुख दिया उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, देखो। सोचो अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग रश्मि देख लेगी तो क्या बीतेगी बेचारी पर? अब तुम मुझे तभी छू सकोगे जब मैं चाहूंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये देखो, देखो ये मेरी भाभी के साथ रंगरंगिया मना रहे हो? हाँ उनका तो मुझे पता था, लेकिन तुम भी ऐसे निकले। उसमें मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? मैंने मामी के साथ जो कुछ भी किया वो हम दोनों के लिए किया, उन्हें मनाने के लिए। उन्हें मनाने के लिए तुम सो रहे हो उनके साथ? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, जाओ जाकर सो उनके साथ, रोज सो उनके साथ। मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिलने वाली किसी कीमत में, समझे तुम? और अब मैं वही शादी करूंगी जहां मेरे भैया ने मेरी शादी तय करी है। निकलो तुम यहां से। अब मेरी बात निकलो, निकलो। आओ ना वेद, मेरे दूर के भांजे। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दोगे?
देखो वेद, तुम्हारा और रश्मि का चैप्टर तो बंद हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो हूं मैं। तो सोच लो। सोच लिया मैंने। क्या? मैं आपके साथ भागने के लिए तैयार हूं, वो भी आज रात को। सच? सच, क्योंकि मुझे समझ में आ गया आप जितना मेरा ख्याल रख सकते हो उतना कोई नहीं रख सकता। आज रात के बाद हमारी जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन मामा जी और रश्मि, उनको कौन संभालेगा? तुम उनकी टेंशन मत लो। मैं आज रात को उन दोनों के खाने में नींद की गोली मिला दूंगी। वो दोनों सो गए, चले? हाँ चलते हैं। एक मिनट आप। लेकिन ट्रेन निकलने के लिए तो अभी वक्त है। ठीक है ना, जब तक ट्रेन का टाइम नहीं होता हम लोग इस टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तुम्हें भी अब मेरी तड़प होने लगी है? ऑफ कोर्स। घर में कोई नहीं सुनेगा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। माना कि जो कुछ मैंने किया वो गलत है, मुझे माफ कर दो। आप भी माफ कर दीजिए।
आपने जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपके साथ गलत कर दिया। माफ कर दीजिए।